जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, राशन सूची के पात्रों के नाम हटाने वाले अफसरों पर लगेगा जुर्माना। बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप सभी इस वीडियो को पूरी देख के जाइएगा और अंत तक जरूर देख लेना। पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा आप सभी को। यहाँ पर 1,80,000 से कम आय वालों के नाम दोबारा जोड़ेंगे CM। बड़ी अपडेट आ चुकी है दोस्तों। अब आपका नाम दोबारा जुड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपील डालेंगे, ग्रीवेंस डालेंगे, किस प्रकार डालेंगे, कैसे डालना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टर्म एंड कंडीशंस है, सभी आपको फॉलो करनी होगी। उन सभी के चलते आपने एक ग्रीवेंस डालना है। आगे आगे सभी प्रकार की वीडियो आएगी, आपका नाम हम जुड़वाने का पूरा कोशिश करेंगे, किस प्रकार अगर आप इलिजिबल होंगे तो। दोस्तों, चंडीगढ़ से न्यूज को प्रकाशित किया गया है, परिवार पहचान पत्र PPP अधिक आय होने के चलते 12 लाख से अधिक लोगों के जो BPL राशन कार्ड काटे गए हैं, उस प्रदेश में मचे घमासान के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा ऐलान आज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनवरी में पात्र लोगों के नाम दोबारा से राशन सूची में जोड़े जाएंगे और दोगुना राशन दिया जाएगा। पात्र व्यक्ति ADC ऑफिस या अटल सेवा केंद्र में जाकर PPP को लेकर अपनी जानकारी दुरुस्त करा सकता है। दोस्तों, अपनी जानकारी दुरुस्त कराने के लिए आपको ग्रीवेंस डालना होगा, किस प्रकार डालना है अगली वीडियो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों, अभी आप कहेंगे कि पीछे भी हमने बोला था कि आप ग्रीवेंस वाली वीडियो बनाएंगे, तो जरूर हमारे पास बहुत सारी कमेंटें आ रही हैं। दोस्तों, आपसे माफी चाहेंगे, आपके लिए अगली वीडियो जरूर डालेंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखना। आज की अपडेट यही थी। पूरी अखबार की कटिंग को पढ़ना चाहते हैं तो यहां से पढ़ सकते हैं, बाकी नए साल का जो संकल्प है वो आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जम के शेयर कर देना एक बार अपने भाई बहनों सभी जगह पर, और आपके छोटे भाई को प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इस चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। सपोर्ट कीजिए आपके भाई को, तभी हम आपके लिए बड़े से बड़ी खबर इसी प्रकार डालते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट के साथ।